और अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो तो आप किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हो। मेरा नाम निशान श्रीवास्तव है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है filmykile.com, जिसको मैंने करीब 11 साल पहले स्टार्ट किया था। वही मेरा प्रोफेशन बन चुका है, जिसके साथ मैं अब मोटो व्लॉगिंग भी करता हूँ और ट्रैवलिंग भी करता हूँ। मेरे पास सबसे पहली बाइक थी बजाज एवेंजर 220, तो वो बाइक मैंने जब खरीदी थी उसके बाद जो है मैंने मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करना शुरू किया और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। और मोटरसाइकिल ट्रैवल काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता था और जिसके साथ साथ हमें काफ़ी नई नई जगह देखने को मिलती थी, हम इजीली जगहों को एक्सप्लोर कर सकते थे, हमें लोकल ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था। एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह मैंने उसको स्टार्ट किया था कि मेरे को ट्रैवल करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी तो मैंने मोटरसाइकिलिंग शुरू की थी। लेकिन उसके बाद वो मेरा पैशन बन गया, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा सोलो राइड्स की। तो उस टाइम तक मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था। उसके बाद 2017 में मैंने ऑल इंडिया राइड करी सोलो मानसून में, और वो राइड से मेरी जो है लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। और मानसून के टाइम पे सोलो राइड करने का जो आनंद था वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। वो 2018 में मैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली में राइड कर रहा था, तो उस दौरान मेरे पास बजाज एवेंजर थी और मेरी बाइक जो है रास्ते में एकदम से बंद पड़ जाती है। और उस टाइम वो लोकेशन काफ़ी रिमोट थी, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते थे, तो मैं करीब 2 किलोमीटर अपनी बाइक को धक्का मार के लेके जाता हूँ एक गाँव तक। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस गाँव में भी कोई मैकेनिक नहीं था, तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने सारे गाँव वालों को बताई और पूरा गांव इकट्ठा हो गया मेरी बाइक को ठीक करने के लिए। तो उनमें से कुछ लोग थे जिनको मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ी नॉलेज थी अच्छे से, उन्होंने बोला कि आप बारिश में राइड करके आए हो तो हो सकता है कि आपकी बाइक के टैंक के अंदर पानी चला गया हो। यही मेरे को भी लगा, और फिर हमने जब कार्बोरेटर चेक किया तो उसके अंदर पानी था। तो सारा पेट्रोल वापस निकाल कर, पेट्रोल टैंक को सुखा कर, उन सब लोगों ने मेरी हेल्प करी और वो मेरी बाइक को चालू कर दिया। वो इंसिडेंट जो है बहुत ज्यादा मेमोरेबल है और मुझे हमेशा याद रहता है। जब भी मैं उस रास्ते से निकलता हूँ, गाँव वाले से मिलता हूँ और वो लोग भी मुझे पहचान लेते हैं। ट्रिप से तो हमने यही सीखा कि भाई लाइफ में पॉजिटिव रहने से काफी कुछ अच्छा होता है, और अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो तो आप किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हो। तो खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए सोलो ट्रैवलर, एज ए सोलो राइडर, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपनी राइड पर जाओ तो सबसे पहले अपने टायर्स को चेक करो। अगर आपके टायर्स अच्छी कंडीशन में है तो आपकी राइड काफी स्मूथ रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर टायर पंचर हो जाता है तो आप अकेले होते हो तो उस सिचुएशन में आपको टायर पंचर बनवाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, और आपके पास लगेज भी होता है तो जिसको आप खुला छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आपके टायर्स अच्छे हैं तो आप एक प्रॉब्लम से बच जाओगे। XBHP के जो वीडियोस होते हैं, कुछ भी इवेंट्स होते हैं, उनसे जो नए राइडर्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और पुराने राइडर्स जो हैं वो भी आपस में कनेक्ट हो पाते हैं, एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो XBHP का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी में। तो जितने भी राइडर्स हैं मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में राइड करना चाहते हो तो आप इंतज़ार मत करो कि आपके पास बाइक कौन सी है, आप कोई सी भी बाइक से राइड कर सकते हो। बस आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और राइडिंग आपको वो लेसन्स देगी लाइफ में जो आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलने को मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको देखने को मिलेगी, वो सिर्फ बाइक की वजह से हो सकता है, आप बिना उसके नहीं कर सकते। आई द बाइकर एंड दिस इज़ माई स्टोरी।